व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम है संजय। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, मोटो ने अपना नया फाइव मोटो रेजर 5G लॉन्च कर दिया है। और ये फ़ोन यार बहुत ही सही है, मतलब ये फोल्डेबल फ़ोन्स का किंग कह सकते हैं आप इसको। तो यार इसके आज हम देखने वाले हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। हम इसके अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यार अनबॉक्सिंग काफ़ी कूल है इसकी। जो आप बॉक्स देख सकते हो, एकदम ट्राइंगुलर पिरामिड जैसा बॉक्स है और उस पर रेजर की ब्रांडिंग है चारों तरफ। साथ ही साथ यार इसमें का जो बिल्ड क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो हम फटाफट इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यार बॉक्स को आप जैसे ही ओपन करोगे, जो सबसे पहले आप जो चीज़ देखते हो वो ये है कि इसमें एक और अंदर पिरामिड है, मतलब पिरामिड के अंदर एक और पिरामिड। और फिर जब आप इसकी केस की ओपनिंग करते हो तो यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल और टाइप सी 3.5 mm डोंगल भी मिल जाता है। तो यार 15 वाट का फास्ट चार्जर है और टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल भी दी गई है इसमें। यार इस स्मार्टफोन की बैटरी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन वो कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मोटो रेजर 5G। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत सही दिख रहा है देखें अगर हम तो। और इस तरीके से इसमें कुछ सिम लगाना है। और इसमें यार फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो बिल्कुल फ्रंट में दिया गया है। और इस बार इनने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी चेंज करी हैं इसका। अगर आप बैक पे जाएं इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको रेजर की ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। और साथ साथ यार इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर से। जिसका हिंज है वो एकदम प्रसाइज हिंज है और जो बिल्कुल भी ख़राब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें डस्ट प्रोटेक्शन दी गई है स्पेशली ताकि कोई भी डस्ट एंटर ना कर सकें। थोड़ी सी क्रीज दिखती है स्क्रीन पे यार, क्योंकि ये ओल्डर पैनल है और एक फोल्डेबल डिस्प्ले है, तो एक छोटी सी क्रीज दिखना एक लाजमी सी बात है। इसमें 6.2 इंच का फ्लैक्स डिस्प्ले है जो कि POLED है। पावर बटन साइड में दिया गया है इसमें, और इसमें हेडफोन जैक नीचे दिया गया है, साथ में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी है। नहीं, आई थिंक इसमें हेडफोन जैक की जगह आपको USB टाइप सी से डोंगल कनेक्ट करके ही यूज़ करना होगा। पीछे इस फोन की जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बैक साइड में है और वो मोटो लोगो में आपको दिख जाएगा। स्पीकर ग्रिल नीचे है, इसमें USB टाइप सी पोर्ट है और इसमें यार कोई भी हेडफोन जैक नहीं है, तो इसमें आपको टाइप सी से ही कनेक्ट करके देखना होगा। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें है स्नैपड्रैगन 765 जो कि 7 नैनोमीटर की चिप है, जो लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इसमें यार इस बार इन लोगों ने 8 GB रैम करी और स्टोरेज भी बढ़ाया गया है। तो यार एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है अगर हम फोल्डिंग फोन्स की बात करें इसमें। और इसमें अगर हम प्राइमरी सेंसर की बात करें तो 20 MP का प्राइमरी सेंसर है। और एक जो फ्रंट कैमरा मिलता है आपको, जो बिल्कुल फ्रंट में होगा, वो 48 MP का वाइड मेन एंगल कैमरा है। तो यार ये दोनों ही कैमरा आप यूज़ कर सकते हो सेल्फी लेने के लिए। और इसकी बैटरी थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि यार एक फोल्डेबल फ़ोन है तो एक छोटी बैटरी है होना मतलब एक रीजनेबल चीज़ है। तो ये 5 अक्टूबर को अनवील हो रहा है 12 बजे, जो कि आज है, और आज ही अनवील हो चुका है। अब इसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके भी इसे देख सकते हैं। फिलहाल ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, तो आप इसे सिर्फ फ्लिपकार्ट से ही खरीद पाएंगे। तो यार जैसा कि मैं आपको हिंज का बता रहा था, ये सिर्फ 6.5 mm थिन है और इसका जो हिंज है ये भी इतनी ही थिकनेस का है। साथ ही साथ इसमें जीरो क्रीज है, तो इसमें अगर आप मतलब फोल्ड करना भी चाह के इसको अगर अपने जेब में रखना चाहते हैं तो काफ़ी इजीली ये काम कर सकते हैं। और इसमें जो फ्रंट डिस्प्ले है इसका साइज भी इस बार बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ आप इसके फ्रंट डिस्प्ले से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेजेस को, और टेक्स्ट मैसेजेस को रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट किया है। इस बार उन लोगों ने जो लास्ट टाइम 16 MP का सेल्फी कैमरा था उसको इस बार इन लोगों ने 48 MP का कर दिया है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस फोन को स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये एक 5G इनेबल्ड फोन है। ये एक 5G इनेबल्ड फोन है जो कि एक फोल्डेबल फोन भी है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, जो कि मोटो 5G ने करके दिखाया है। तो अब देखना ये होगा कि अभी मेरे पास कोई प्राइजेस अवेलेबल है नहीं इस फोन्स के, तो इसकी एक बार हैंड्स ऑन अनबॉक्सिंग मुझे एक और बार करनी होगी। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फ्यूचर में और अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही डालने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।